क्वेश्चन है द रूट मीन्स के स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 एट ए सर्टेन टेम्परेचर T इज V. इफ द टेम्परेचर इज डबल एंड ऑक्सीजन गैस डिसोसिएट इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन देन आरएमएस स्पीड इज, आरएमएस स्पीड बतानी है क्या होगी. यानी कि पहले क्या था हमारे पास O2 था, तो वो O2 क्या हो गया हमारे पास O2 से चेंज हो गया वो O में. टेम्परेचर क्या था इसमें T था और इसका टेम्परेचर क्या हो गया हमारे पास 2T. VRMS दे रखी है इसमें इक्वल V दे रखी है, इसकी VRMS क्या होगी, VRMS 2 क्या होगी, ये हमें बताना है. O2 डिसोसिएट हो गया किसमें, एटम में. तो हमारे पास VRMS फर्स्ट के देखिए तो हमारे पास रूट थ्री आर टी डिवाइड बाई में मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ऑक्सीजन का 32, O2 का 32 होता है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वल टू क्या दे रखी है V के इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी. इस केस में निकाले तो वी आर एम एस टू इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास रूट थ्री इन टू में आर थ्री आर टी क्या हो जाएगा टू टी डिवाइड बाई में वो 16 आ जाएगा. तो अंडर रूट सिक्स आर टी डिवाइड बाई में 16. तो रेशियो ले ले वी आर एम एस टू डिवाइड बाई में वी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास सिक्स आर टी डिवाइड बाई में 16. सिक्स आर टी डिवाइड बाई 16 टू क्या आ जाएगा 32 डिवाइड बाई में 3 आर टी. आर टी से आर टी कैंसिल, हमारे पास वी आर एम एस टू डिवाइड बाई में बी इक्वल टू क्या आ रहा है अंडर रूट 4, यानी कि 2 के इक्वल आ रहा है. तो वी आर एम एस टू क्या आ जाएगी हमारे पास 2V के इक्वल, यानी कि आ जाएगी 2V के इक्वल. दिस इज द क्वेश्चन.